नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं? अगर आप ऑफिस जाते होंगे तो आप दिन भर कम से कम 8 घंटे तो आप चेयर पर बैठते हैं। 8 घंटे अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो शरीर है वो थक जाता है, आपकी जो स्पाइन है वो दर्द कर जाती है, हमारी जो कमर है वो दर्द कर जाती है और हमारी जो गर्दन है वो दर्द कर जाती है। तो इसको हम कैसे रेक्टिफाई करें? अब इसके लिए तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप ऑफिस जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑफिस तो हमें जाना ही होगा, चेयर पे बैठना होगा और काम करना होगा। तो इस कंडीशन में हम बैठे बैठे अपने को योगा से कैसे जोड़ सके, अपने आप को हम कैसे फिट रख सकते हैं जब हम ऑफिस के अंदर होते हैं, चलिए जानते हैं। तो अगर हम ऑफिस में हैं और हमें अपने चेयर पे बैठे बैठे योगा करना है, बिना शूज़ के आप पूरी तरीके से अपने फीट को, अपने पंजों को, पैरों को पूरी तरीके से ज़मीन पर, फ्लैट फीट पूरी तरीके से ज़मीन पर सीधे बैठेंगे, थोड़ा आगे आ जाएंगे चेयर पे, अपने हाथों को आगे रखेंगे और हम सबसे पहले करेंगे कैट एंड काउ पोज, जो कि हमारी स्पाइन के लिए, हमारी कमर के लिए सबसे अच्छा है। तो इसके लिए हम अपने हाथों को आगे रख लेंगे, अपनी पीठ को कर्व करेंगे अंदर की ओर, गर्दन को ऊपर स्ट्रेच करें अपने आप को और फिर वापस पूरा कर्व करेंगे अंदर की ओर, होल्ड करेंगे ऐसे कुछ देर, फिर वापस ऊपर की तरफ अपनी पीठ पूरी अंदर की ओर दबी हुई, सामने अपने गर्दन को ऊपर, अपनी पीठ को पूरा कर्व करें एंड देन अगेन पीछे की ओर। ये है हमारा पहला आसन जो हम कर सकते हैं, कैट एंड काउ पोज व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर, सो इन अ ऑफिस इफ यू आर एट होम हम इस आसन को चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। जो दूसरा आसन है वो है स्पाइन ट्विस्टिंग का आसन, पैरों को अच्छे से जमीन पर, दोनों पैर हमारे जमीन पर लगे हुए होने चाहिए, अपनी कुर्सी को पकड़ेंगे ऐसे, पीछे का हिस्सा पकड़ेंगे और अपने आप को पूरा पीछे की ओर घुमाएं, होल्ड करेंगे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए, वापस सेम चीज हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, अपनी कमर को पूरा, स्पाइन हमारी पूरी घूमी हुई, थोड़ी देर होल्ड करें और वापस। तीसरा आसन है, क्योंकि हमारे हाथ बैठे बैठे, हमारे शोल्डर्स बैठे बैठे झुक जाते हैं टेबल पे, चेयर पे, तो सीधे बैठेंगे, पीठ कमर गर्दन हमारी सीधी चेयर पे, पैर हमारे पूरी तरीके से जमीन पर लगे हुए, अपने हाथों को साइड में कर लेंगे, अपने हाथों को साइड में कर लेंगे, हाथों को ऊपर उठाएं पूरा स्ट्रेच करेंगे एंड देन डाउन, फिर से ऊपर लेकर जाएंगे अपने हाथों को, पूरा स्ट्रेच करें और फिर नीचे। 8 से 10 बार ऐसा करने पे हमारी पीठ, हमारे हाथ और हमारे शोल्डर्स में पूरा हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी जो मांसपेशियां एक पोजीशन में बैठे बैठे थक जाती हैं उसमें पूरा रिलैक्सेशन। इसके बाद हम बैठे बैठे ही फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन करेंगे, तो आपके पैर पूरी तरीके से जमीन पर लगे हुए, आपने हाथ उठाया ऊपर और पूरा नीचे, आपके पेट को थाइस पर, पूरा जमीन पर, फिर से वापस ऊपर आएंगे और फिर नीचे पूरा तरीके से। तो ये जो 4 आसन मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ये रोज करते हैं या अगर आप ऑफिस में हैं, आपको टायर्डनेस फील होती है, आप थक गए हैं, तो आप ये 4 आसन कर सकते हैं, ये आपको रिजुविनेट करेंगे, ये आपको फ्रेश फील कराएंगे, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपके बॉडी पे जो बहुत लंबे समय तक बैठने से जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जो कि जो नुकसान होता है हमारी बॉडी पे, वो नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि ये 4 आसन आपको अच्छे लगे होंगे और आप उनको करने का प्रयास करेंगे अपने ऑफिस लाइफ में, अपने घर पर। अगर आप कुर्सी पे बहुत देर तक बैठते हैं, अगर आप चेयर पे बहुत लंबा आपकी सिटिंग है, तो आप ये 4 आसन करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको किसी और आसन के बारे में जानना है। अगर आप कोई परेशानी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।